भारत के उत्तर प्रदेश में एक शहर है वाराणसी, जिसे बनारस भी बोला जाता है, महादेव की नगरी काशी भी बोला जाता है। क्या आप जानते हैं कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और गोवा में कुल जितने टूरिस्ट आते हैं उससे कहीं ज्यादा टूरिस्ट हर साल अकेले वाराणसी में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है वाराणसी में कि इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो तो आपको इस वीडियो में मालूम चल ही जाएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वाराणसी आ सकते हैं, वाराणसी में कहां कहां घूमने जाना चाहिए, यहां के होटल, धर्मशाला, बस, ट्रेन, टैक्सी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लीजिए, आप घर बैठे पूरा वाराणसी घूम लेंगे। और हाँ, क्या आप जानते हैं वाराणसी में कुल कितने घाट हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 312 किलोमीटर की दूरी पर और भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 812 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वाराणसी कैसे पहुँचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वाराणसी सिटी सेंटर से दूरी करीब 25 किलोमीटर है। वहाँ से आने जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा और कैब दोनों मिल जाएगी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो वाराणसी में दो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं। एक है वाराणसी जंक्शन, जिसे वाराणसी कैंट भी बोला जाता है, और दूसरा है वाराणसी सिटी। दोनों ही रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। रोजाना सैकड़ों ट्रेन वाराणसी आती है। May I have your attention, please? ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का नज़ारा है। स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और कैब आसानी से मिल जाएगी। ये रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। वाराणसी का मुख्य बस अड्डा भी रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है। दोनों के बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर है। आप पैदल भी आ जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो वाराणसी चारों तरफ से सड़क मार्ग से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। यहाँ की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वाराणसी एक बहुत बड़ा शहर है, इसे घूमने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो पहले ये तय करना जरूरी है कि वाराणसी कितने दिन के लिए आए। देखिए, वाराणसी को घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही। सच कहूँ तो वाराणसी घूमने के लिए पूरा हफ्ता भी कम पड़ सकता है। लेकिन मैं वाराणसी की उन सभी प्रसिद्ध जगहों पर जाऊँगा ताकि हमें भी पता लगे कि आखिर करोड़ों लोग वाराणसी क्यों आते हैं। और आप भी घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से पूरा वाराणसी घूम लेंगे। 2 दिन वाराणसी में रहना है तो जाहिर सी बात है रुकने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। गंगा जी के किनारे बसे वाराणसी शहर में कुल 85 घाट हैं और रुकने के लिए इन सभी घाटों के आसपास अच्छी धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस मौजूद हैं। मेरे हिसाब से इन्हीं घाट के आसपास के होटल में रुकना ज्यादा अच्छा रहेगा वाराणसी घूमने के लिए। इसके अलावा वाराणसी रेलवे स्टेशन के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, बस स्टैंड के आसपास या दूसरी किसी भी जगह पर रुकते हैं तो आपको घूमने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मैंने जब वाराणसी टूर किया तो मैं रुका केदार घाट और हरिश्चंद घाट के बीच मौजूद होटल में। यहाँ रुकने की मेरी एक खास वजह थी। मैं चाहता था कि मैं कम समय में और आसानी से पूरा वाराणसी घूम सकूं, ज्यादा जगहों पर जा सकूं, आने जाने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल जाए। वाराणसी में होटल के किराए की बात करें तो 1000 रुपए से रूम की स्टार्टिंग हो जाती है, जो जनरली 5-6 हजार तक जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग रूम चूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे 5-स्टार होटल्स भी यहाँ मौजूद हैं जिनका एक रात का किराया 50 हजार तक है। कुछ सस्ती धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और कुछ फ्री धर्मशालाएं भी काशी वाराणसी में मौजूद है, जो आपको इन सभी घाट के आसपास ही देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बात और, आप किसी भी घाट के आसपास के होटल में रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा वाराणसी वहां से कैसे घूमना है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बात करते हैं कि वाराणसी में कहां कहां घूमने जाएं और कैसे घूमने जाएं। कोशिश कीजिए कि आप वाराणसी सुबह में पहुंच जाइए। आप ट्रेन से आते हैं तो रात भर की यात्रा करके आप सुबह वाराणसी पहुंच सकते हैं। सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे तो आप उस दिन भी वाराणसी की बहुत सी जगहों को घूमने जा सकते हैं। ऐसा करने से आपका समय भी कम लगेगा और वाराणसी भी अच्छे से घूम पाएंगे। तो सबसे पहले हम घूमेंगे वाराणसी के प्रसिद्ध घाट। वाराणसी के फेमस 85 घाट घूमने का तरीका क्या है? गंगा जी के किनारे इन सभी 85 घाट को घूमने के 3 तरीके हैं।
पहला तरीका कि आप एक घाट पर पहुंच जाइए और फिर पैदल पैदल एक घाट से दूसरे घाट तक जा सकते हैं। वाराणसी के इन सभी घाटों की खास बात यही है कि सभी घाट एक घाट से दूसरे घाट तक जुड़े हुए हैं। आप पैदल भी एक घाट से दूसरे घाट जा सकते हैं। करीब 6 किलोमीटर के दायरे में सारे घाट मौजूद हैं। दूसरा तरीका कि आप वाराणसी की इन पतली पतली गलियों से घूमते हुए पुराने वाराणसी के छोटे छोटे रास्तों से घूमते हुए एक घाट से दूसरे घाट तक जा सकते हैं, साथ ही आसपास के प्रसिद्ध मंदिरों में भी घूम सकते हैं। और तीसरा तरीका है गंगा जी में बोट के सहारे, नाव के सहारे सभी घाटों को घूमना। वाराणसी आओ और वाराणसी की गंगा जी में नाव की सवारी ना की जाए तो वाराणसी की यात्रा अधूरी रह जाती है। तो मैं निकल पड़ा बोट से घूमने के लिए। आप किसी भी घाट पर मौजूद हो, आपको सभी घाट से नाव की सुविधा मिल जाएगी। कितना किराया रहेगा, कितना खर्चा इसमें होगा और क्या प्राइस लिस्ट रहेगी, वो पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर एजेंटगिरी चलती है, कमीशन खोरी बहुत ज्यादा चलती है। आपके होटल वाले भी बोलेंगे कि हम आपको बोटिंग करा देंगे। जब आप गंगा किनारे पहुँचेंगे तो वहाँ भी काफी लोग मिल जाएंगे। यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी होटल वाले आपके साथ चलने के लिए बोलेंगे। वहाँ भी एजेंटगिरी चलती है, कमीशन खोरी चलती है। इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। फिलहाल बोटिंग की बात करते हैं। बोटिंग के लिए नगर निगम वाराणसी ने प्राइस तय किया है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। 80 घाट से नमो घाट के बीच में ही वाराणसी के प्रसिद्ध 85 घाट मौजूद हैं। यानी कह सकते हैं कि 80 घाट पहला घाट है तो अंतिम घाट नमो घाट है। 80 घाट से नमो घाट आने जाने के किराए की बात करें तो शेयरिंग में किराया 345 रुपए तय किया गया है। शेयरिंग बोट में मोटर बोट रहेगी। हरिश्चंद घाट से मणिकर्णिका घाट आना जाना 125 रुपए। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 80 घाट आना जाना 175 रुपए। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से नमो घाट आना जाना 175 रुपए। ये नगर निगम वाराणसी द्वारा तय किया गया किराया है, लेकिन वो आपसे 500 रुपए तक की मांग कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी आप किसी भी घाट पर हो, वहाँ से आपको शेयरिंग में और पर्सनल दोनों तरह की बोट मिल जाएगी। पर्सनल बोट का किराया थोड़ा ज्यादा रहेगा, करीब 1000 से 1200 रहता है, क्योंकि ये नाव पतवार से चलती है। लेकिन इसमें भी आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके रेट कम करवा सकते हैं। 3 से 4 लोग आसानी से इसमें बैठ जाते हैं। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है नगर निगम वाराणसी के। अगर आपको बोटिंग के किराए से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी आने के बाद हमें बोटिंग जरूर करनी चाहिए, नाव की सवारी जरूर करनी चाहिए, फिर चाहे आप शेयरिंग में कर लें या पर्सनल बोट ले लें। नाव में जो नाव चालक होता है वो एज ए गाइड भी काम करता है, आपको एक घाट से दूसरे घाट तक लेकर जाएगा और उस घाट की कुछ खास बातें भी आपके साथ शेयर करेंगे। गंगा जी के रास्ते वाराणसी के इन सभी घाटों को घूमने का अनुभव बहुत शानदार रहता है। नाव में बैठकर आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं। सर्दियों में अगर आप वाराणसी आएंगे तो साइबेरिया से आए कुछ अनोखे पक्षी भी आपको यहां देखने के लिए मिलेंगे। वाराणसी की गंगा जी की ये यात्रा बहुत यादगार रहती है। वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों में सबसे ज्यादा प्रमुख है 80 घाट, हरिश्चंद घाट, केदार घाट, ललिता घाट, 10 अश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घाट, मणिकर्णिका घाट और नमो घाट। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये 10 अश्वमेध घाट का है। ये घाट वाराणसी का एक प्रमुख घाट है। शाम को यहाँ पर एक भव्य गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। ये सामने आप नजारा देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। अभी मैं गंगा जी से आपको व्यू दिखा रहा हूँ, बाद में आपको यहाँ लेकर भी चलूंगा। ठीक इसके बराबर में है मणिकर्णिका घाट। ये नजारा है मणिकर्णिका घाट का। यहाँ हमेशा ऐसी ही सैकड़ों चिताएं जलती रहती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर दाह संस्कार करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि साक्षात भगवान शिव यहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ नावों में आप लकड़ियाँ रखी हुई देख रहे होंगे। यहाँ दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ नाव के रास्ते लाई जाती हैं, क्योंकि मणिकर्णिका घाट तक आने वाला रास्ता बहुत संकरा है, पतली पतली गलियां हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियों को सड़क मार्ग से यहाँ लाना बहुत मुश्किल रहेगा। नाव के रास्ते ही यहाँ पर लकड़ियां लाई जाती हैं। यहाँ 24 घंटे पूरे साल ऐसे ही चिताएं जलती रहती हैं। ये जो सामने घाट देख रहे हैं, ठीक इसके पीछे जो बिल्डिंग है, ये पहले एक महल हुआ करता था, लेकिन अब ये एक 5-स्टार होटल बन चुका है। इस होटल के एक रूम का एक दिन का किराया 50,000 रुपए है। होटल का नाम है ब्रिज रामा पैलेस। 10 अश्वमेध घाट के पास ही ये होटल मौजूद है। तो ये होती है हमारी गंगा जी के रास्ते वाराणसी के सभी घाटों की यात्रा। इसे आपको जरूर करना चाहिए। दोपहर में खाने के बाद आप वाराणसी की कुछ दूसरी जगहों पर जाइएगा। खाने की बात करें तो वाराणसी में बहुत से ऑप्शंस हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। गंगा जी में नाव की सवारी तो हो गई, अब यहाँ के प्रसिद्ध घाट पर मौजूद कुछ मुख्य मंदिरों में कैसे जाएंगे। आप किसी भी घाट से किसी दूसरे घाट जाने के लिए सड़क मार्ग पर ई रिक्शा को यूज कर सकते हैं। 20 से 30 रुपए वो चार्ज करेंगे। पैडल रिक्शा भी आपको मिल जाएगा।
दोपहर के समय आप दस अश्वमेध घाट या ललिता घाट के पास पहुंच जाइए। यहां आप यहां के कुछ मुख्य मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं। ललिता घाट के पास ही पशुपतिनाथ मंदिर मौजूद है, जो नेपाल काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। आप यहां पास में मौजूद नेपाली मंदिर देखने जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री विशालाक्षी मंदिर में आप दर्शन करने जरूर जाइएगा। इसके अलावा भी आसपास में यहाँ बहुत से बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें आप दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत छोटे छोटे रास्तों से, यहाँ के मुख्य बाजारों से घूमते हुए आप इन सभी मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। यहाँ से आप काल भैरव मंदिर भी दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन मान्यता है कि पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, उसके बाद काल भैरव मंदिर जाना चाहिए। तो शाम के वक्त आप काशी विश्वनाथ मंदिर आइएगा। शाम के वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का क्या फायदा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। अगर आप ललिता घाट या दस अश्वमेध घाट या मणिकर्णिका घाट के आसपास मौजूद हैं, तो पैदल ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक जा सकते हैं। और अगर आप अस्सी घाट, केदार घाट या श्री राजा हरिश्चंद्र घाट के आसपास मौजूद हैं, तो पैदल रिक्शा या ई रिक्शा से मात्र 40 से 50 रुपए देकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वैसे काशी विश्वनाथ मुख्य मंदिर तक कोई भी वाहन नहीं जा सकता है, ई रिक्शा भी आपको गदौलिया चौराहे पर छोड़ देगा। ये जो चौराहा है, ये गदौलिया चौराहा है, इसे चर्च चौराहा भी बोला जाता है। यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अलग रास्ता है, दस अश्वमेध घाट के लिए अलग रास्ता है, और काल भैरव मंदिर जाने के लिए अलग रास्ता है। बाइक स्कूटी के लिए यहाँ पर एक पार्किंग भी बनी हुई है। यहाँ सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर लिखा है दिव्यांग महिला पुरुष के लिए व्हील चेयर भी आपको यहाँ मिल जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने, दर्शन करने और वापस आने तक का किराया यहाँ लिखा गया है। अगर आपको व्हील चेयर की जरूरत है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाला एक मुख्य बाजार है। यह बाजार किसी हिल स्टेशन के मॉल रोड से कम नहीं है। यहाँ आपको आपकी जरूरत की सभी चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं, घूमने लायक जगह है। लेकिन पहले हम चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। मंदिर जाने के कई अलग अलग रास्ते हैं। आपको जिस रास्ते से लेकर चल रहा हूँ, वो बनारस की पतली पतली गलियों से होकर निकलता है। रास्ते में फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ आप वाराणसी के प्रसिद्ध मलइयों का भी टेस्ट चख सकते हैं। बहुत सी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। मंदिर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले जा सकते, फिर चाहे आपका फोन हो, स्मार्ट वॉच हो, कैमरा हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। मंदिर के पहले ही प्रसाद की दुकानों पर लॉकर की व्यवस्था मौजूद रहती है। आप वहाँ कीमती सामान सुरक्षित रख सकते हैं, बस आपको उनसे प्रसाद खरीदना होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए आएंगे, तो आपको आपके होटल वाले, धर्मशाला वाले, गेस्ट हाउस वाले आपसे बोलेंगे कि वो आपको मंदिर में दर्शन करवाएंगे। तो उनके साथ में अगर आप आते हैं, तो फिर आपको जगह जगह पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब कमीशन खोरी एजेंट की यहाँ बहुत ज्यादा चलती है। वो आपको अपनी पसंद की प्रसाद की दुकान पर लेकर जाएंगे, वहाँ से एक व्यक्ति आपको काशी विश्वनाथ मंदिर में लेकर जाएगा, वो जगह जगह आपको पैसे देने के लिए बोलेगा। वापस आने के बाद जितने भी लोग साथ थे, उन सबको पैसे देने होंगे। तो इन सब से बचने के लिए आप खुद से जाइए, जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए, आपकी यात्रा बहुत अच्छी और आसान हो जाएगी। खुद से जाइए, प्रसाद खरीदिए, लॉकर में कीमती सामान रखिए और दर्शन करने निकल जाइए। अगर रास्ता नहीं पता है तो आप पूछ कर भी जा सकते हैं। पतली पतली गलियों से आप घूमते हुए पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में। मंदिर के अंदर मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना फोन है ना कैमरा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पहले का नज़ारा है। हाई सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश होता है। गेट के ठीक पहले ही काफी सारी दुकानें हैं, जहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा, लॉकर्स की भी व्यवस्था है, आपके जूते चप्पल भी आप यहीं उतार सकते हैं। अगर आप गंगा जी के घाट की साइड से आते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर साइड से आ रहे हैं, तो वहाँ भी निःशुल्क जूता घर, निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था है। आपका कीमती सामान आप वहाँ भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर जाने के कई अलग अलग रास्ते हैं और सभी रास्तों पर प्रसाद, लॉकर्स, सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे होते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन। तो एक बार आप भी हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वैसे वाराणसी में कुछ अलग तरह से जयकारे लगाए जाते हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी में ये जयकारा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वाराणसी ही वो नगरी है जहाँ कैलाश के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों विराजमान है। दोनों के ही मंदिर यहाँ मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद आप पास में ही मौजूद अन्नपूर्णा मंदिर में भी जरूर जाइएगा, जो माता पार्वती को समर्पित है। और इसी मंदिर में अन्नपूर्णा रसोई मौजूद है, जहां प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का है। कॉरिडोर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। गंगा जी के मुख्य घाट से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर होते हुए
मुख्य मंदिर में दर्शन करने भी जा सकते हैं। ये जगह बहुत खूबसूरत है, लोग यहाँ बैठे रहते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। पास में ही काफी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ आप स्वादिष्ट भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर केनरा बैंक, SBI बैंक भी मौजूद है। इस कॉरिडोर में भी कुछ प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं। पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य मंदिर तक जाया जा सकता है। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं तो एक्सीलेटर की भी सुविधा यहाँ मौजूद है। ये जगह बहुत शानदार है। शाम के वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने का आपको क्या फायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद हूँ। रात को 8 बजे गंगा जी के किनारे कॉरिडोर पर लाइट एंड साउंड शो चलाया जाता है। वाराणसी की पूरी कहानी को एक लेजर शो में दिखाया जाता है। इसे देखना ही एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। चलिए कुछ झलकियाँ आपको दिखाता हूँ लाइट एंड साउंड। साथ ही साथ यहाँ कास्ट इलाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध गिरिजी काशी विश्वनाथ मंदिर। रात को 8 बजे इस शो को देखने के बाद आप वापस आपके होटल चले जाइए। तो ये तो थी आपकी पहले दिन की यात्रा। दूसरे दिन आप वाराणसी का आगे का टूर करेंगे। आज के दिन की शुरुआत भी सुबह जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप निकल जाइए सारनाथ यात्रा पर। वाराणसी सिटी से सारनाथ की दूरी करीब 9 से 10 किलोमीटर है। उसके लिए आपको जरूरत होगी एक वाहन की। सारनाथ यात्रा के लिए आप यहाँ कैब, ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। कितना खर्चा होगा वो भी बताऊंगा। सारनाथ यात्रा से पहले चलते हैं वाराणसी के प्रसिद्ध भारत माता मंदिर को देखने, जो वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में स्थित है। भारत माता मंदिर काफी बड़ा मंदिर है। भारत माता को समर्पित यह मंदिर बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर भारत के भौगोलिक मानचित्र को जमीन पर संगमरमर से बनाया गया है। इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर मौजूद नहीं है। ये मंदिर पूरी तरह से भारत माता को समर्पित है। यहाँ पास में ही वाराणसी की रोपवे का निर्माण कार्य भी चल रहा है। आने वाले समय में ये रोपवे भी शुरू हो जाएगी। यहाँ से अब हम यात्रा करेंगे सारनाथ की। सारनाथ की यात्रा के लिए हमें लगभग पूरे वाराणसी को, पूरे बनारस को पार करके जाना होता है। बहुत से ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप उस वाहन का इस्तेमाल करें जिसमें आप ट्रैफिक में आसानी से निकल सकें। अगर आप कैब लेते हैं तो आपको काफी समय लग सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है। ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा छोटे छोटे रास्तों से होकर निकल जाते हैं। अभी मैं सारनाथ में मौजूद हूँ। यहाँ पर सबसे पहली जगह है चौखंडी स्तूप। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। एक बहुत बड़ा स्तूप यहाँ मौजूद है। चौखंडी स्तूप ASI के कंट्रोल में है। 20 रूपए एंट्री टिकट है, आप यहाँ जरूर आइएगा। चौखंडी स्तूप से थोड़ा सा आगे थाई मंदिर मौजूद है। अभी मैं थाई मंदिर के बाहर मौजूद हूँ। आसपास में काफी बड़ा बाजार बना हुआ है, आप यहाँ कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। बहुत बड़ा परिसर है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ आप कुछ समय के लिए जरूर आइएगा। जो सामने आप व्यू देख रहे हैं ये थाई मंदिर का व्यू है। मंदिर के अंदर चलते हैं, अंदर के नजारे मैं आपको दिखाता हूँ। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। थाई मंदिर का ये पूरा परिसर घूमने लायक है। सामने बहुत बड़ी भगवान बुद्ध की स्टैचू बनी हुई है। इस पूरे परिसर को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। हालांकि बाहर गेट पर लिखा था कि अंदर पानी की बोतल और खाने पीने का सामान ले जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लेकर आ गए हैं। थाई मंदिर के बाहर के बाजार से आप यहाँ की कुछ बौद्ध धर्म से जुड़ी, बौद्ध कल्चर से जुड़ी कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सारनाथ म्यूजियम मौजूद है, आप चाहे तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। सारनाथ की इस यात्रा के बाद आप वाराणसी के प्रसिद्ध और पिछले कुछ समय में ही तैयार हुए सर्ववेद महामंदिर धाम भी जरूर जाइएगा। सारनाथ से सर्ववेद महामंदिर धाम की दूरी करीब 7.5 किलोमीटर है। ये मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर है। पिछले कुछ समय में ही मंदिर तैयार हुआ है, हालांकि अभी भी यहाँ बहुत काम होना बाकी है। चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं और अंदर के नजारे में आपको दिखाता हूँ। अभी मंदिर में मैं कैमरा चला पा रहा हूँ, हो सकता है कि आने वाले समय में मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ ना हो। सर्ववेद महामंदिर एक योग मंदिर है, एक मेडिटेशन मंदिर के रूप में इसको जाना जाता है। मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है। रात के समय यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, अब कुछ वैसे ही इस मंदिर को बनाया गया है। सर्ववेद महामंदिर में हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। शाम के वक्त यहाँ भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले समय में ये मंदिर वाराणसी का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान बन सकता है। तो ये होती है सारनाथ यात्रा। इस पूरी यात्रा को करने में 3 से 4 घंटे के आसपास का समय लगेगा। अगर आप सारनाथ यात्रा कैब से करेंगे तो करीब 1500 के आसपास चार्ज आपको देना होगा। ऑटो रिक्शा से करते हैं तो 1000 रूपए में आपकी सारनाथ यात्रा हो जाएगी। ई रिक्शा से करते हैं तो 600-700 रूपए में आपकी सारनाथ यात्रा हो जाएगी। ई रिक्शा सबसे सस्ता ऑप्शन है, 4 से 5 लोग भी बैठ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पर पर्सन कितने कम खर्चे में आपकी ये यात्रा हो रही है।
साथ में भारत माता मंदिर और सर्व वेद महामंदिर भी आप घूम पाएंगे। ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा बेस्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक से होकर हमें जाना पड़ता है, तो ई रिक्शा छोटे छोटे रास्तों से भी, गलियों के रास्ते से शॉर्टकट लेकर निकल जाते हैं। सारनाथ यात्रा करने से पहले आप गाड़ी वालों से तय जरूर कर लें कि आपको भारत माता मंदिर और पूरी सारनाथ यात्रा के साथ सर्व वेद महामंदिर धाम भी जाना है। इस यात्रा के बाद आप वापस आपके होटल आइए, एक दो घंटा आराम कीजिए और फिर अगला टूर कर लीजिए। अभी हम करेंगे वाराणसी का लोकल टूर, वाराणसी की लोकल यात्रा, जिसमें हम वाराणसी के कुछ प्रमुख मंदिरों में जाएंगे, साथ में रात की गंगा जी की आरती का भी आनंद लेंगे। मेरे हिसाब से इस यात्रा को आप ई रिक्शा से करेंगे तो समय कम लगेगा, छोटे छोटे रास्तों से वो गाड़ी निकल जाएगी और आप सभी मंदिरों में कम समय में घूम लेंगे। इस यात्रा में कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा वो भी बताऊंगा। मैंने इस यात्रा की शुरुआत की रात के समय, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा गंगा जी की आरती देखने के लिए। मैंने सभी घाट घूम लिए लेकिन मैं आरती वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर देखूंगा, तो चलिए चलते हैं पहले 80 घाट पर। ये नजारा है 80 घाट का। वैसे तो वाराणसी के लगभग सभी घाटों पर आरती की जाती है लेकिन दो प्रसिद्ध घाट है, एक है 10 अश्वमेध घाट और दूसरा है 80 घाट। इन दोनों ही घाट की आरती बहुत ज्यादा फेमस है। ये नजारे हैं 80 घाट की गंगा। शाम को 80 घाट की गंगा आरती देख ली, अब चलते हैं वाराणसी का लोकल टूर करने। ऐसा नहीं है कि आप वाराणसी का लोकल टूर दिन में ही कर सकते हैं, आप शाम के वक्त भी गंगा आरती से पहले या गंगा आरती के बाद भी वाराणसी लोकल टूर कर सकते हैं। इस टूर में पहला मंदिर है श्री विश्वनाथ मंदिर, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद है। विश्वविद्यालय तक जाने वाला रास्ता वाराणसी के मुख्य बाजार है। बाजारों को घूमते हुए आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर के रास्ते आप देखेंगे। इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में श्री विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। चलिए मंदिर में चलते हैं। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। मंदिर के बाहर शूज स्टैंड बना हुआ है, मंदिर देखने लायक है। आप यहाँ जरूर आइएगा क्योंकि इस मंदिर को विजिट करने पर आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी विजिट कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से दूसरा मंदिर देखने जाइए जिसका नाम है तुलसी मानस मंदिर। वाराणसी में बहुत से मंदिर है, या कह लीजिए कि मंदिरों की नगरी है वाराणसी, लेकिन मैं आपको कुछ प्रसिद्ध जगह पर लेकर जा रहा हूँ। तुलसी मानस मंदिर के बाद आप यहाँ के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर भी जा सकते हैं। उसके बाद आप वाराणसी के प्रसिद्ध श्री दुर्गा माता मंदिर जरूर जाइएगा, जो यहाँ के एक मुख्य बाजार में ही स्थित है। हालांकि इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको दर्शन कराऊंगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही फूल प्रसाद की दुकानें मौजूद है। ये दुर्गा माता मंदिर बनारस के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर के बराबर में एक बहुत बड़ा कुंड बना हुआ है, जहां दिन के समय आप घूमने भी जा सकते हैं। दुर्गा माता मंदिर दर्शन के बाद आप यहां के मढ़ी मंदिर भी जरूर जाइएगा। ये नजारा मढ़ी मंदिर का है, बहुत बड़ा परिसर है, काफी दूर तक पैदल चलना पड़ता है और मंदिर की खूबसूरती देख कर आप दंग रह जाएंगे। मढ़ी मंदिर में बहुत सी शिवलिंग लगी हुई है। वाराणसी घूमने आओ तो यहाँ भी जरूर आइएगा, जहाँ मढ़ी मंदिर में चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग नजर आती है, तो सामने की तरफ राम दरबार मौजूद है। आसपास में और भी बहुत से भगवान की प्रतिमा यहाँ मौजूद है। ये मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। मैं केदार घाट पर रुका, वहाँ से ई रिक्शा में मुझे 350 रुपए देने पड़े, जिसमें मैंने 80 घाट की गंगा आरती देखी और पूरा लोकल वाराणसी टूर भी किया। तो इस तरह से बहुत कम खर्चे में आप ये यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा वाराणसी टूर, जिसमें लगभग वाराणसी की प्रसिद्ध सभी जगह हमने घूमी। अगर आप वाराणसी में एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो अब वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन अलग से देना होगा। 80 घाट के पास में ही बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिसमें जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, मोटर पैराग्लाइडिंग, कैमल राइड, बम्पी राइड, स्पीड बोट और भी बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। अब बात करते हैं वाराणसी में फूड की, यहाँ के खान पान की। वाराणसी बहुत बड़ा शहर है, पूरे देश भर से यहाँ रोजाना हजारों लाखों लोग आते हैं। पूरे देश से आते हैं तो यहाँ खाना भी सभी तरह का मिल जाता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इटालियन, सभी तरह का खाना आसानी से मिल जाता है। कुछ खास चीज मैं आपको बता देता हूँ, सर्दियों में अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ की मलाइयों जरूर ट्राई करिएगा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। बनारस में मेरा जितना एक्सपीरियंस बनारस के साथ रहा, मैंने देखा कि हर रोड पर यहाँ साउथ इंडियन बहुत ज्यादा बेचा जाता है। स्ट्रीट फूड में साउथ इंडियन, रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन, ढाबों पर साउथ इंडियन। शायद टूरिस्ट साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप भी साउथ इंडियन फूड ट्राई कर सकते हैं। इडली, सांभर, डोसा,
डोसा सांभर जगह जगह मिलता रहता है। इसके अलावा सभी घाटों के आसपास के बाजारों में पूरी सब्जी, छोले भटूरे, चाय समोसे, इस तरह की तो बहुत सी स्टॉल जगह जगह लगी रहती है। इन्हें भी आप ट्राई कर सकते हैं। बनारस आओ, बनारस का पान ना खाओ तो फिर बनारस आने का क्या फायदा। यहाँ आने के बाद हमें पता चला बनारस का पान तो यूं ही फेमस हो गया, असल में पान तो कोलकाता से आता है और फेमस बनारस में हो गया। आप बनारसी पान भी ट्राई कर सकते हैं। बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सूत होता है, क्योंकि बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस है। पान आता है कलकत्ता बम्बई से, तरीका यहाँ बनाना। अच्छा, बनारस की बनारसी साड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी हमें यहाँ आकर पता चला कि सिल्क तो बेंगलोर से आता है और प्रसिद्ध बनारस में हो गया बनारसी साड़ी के नाम से। बनारस में बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर बनारसी साड़ी बनाई जाती है, आप चाहे तो वहाँ भी विजिट करने जा सकते हैं और कुछ बनारसी साड़ी, बनारसी शॉल, बनारसी शेरवानी परचेज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वाराणसी टूर का बजट। वाराणसी घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए ही, आप उससे ज्यादा भी यहाँ रुक सकते हैं। मैं तो कहता हूँ 1 हफ्ता भी आप यहाँ बिता सकते हैं। दिल्ली से बात करें तो ट्रेन के स्लीपर क्लास में मात्र 450 में, थर्ड एसी में 1155, सेकंड एसी में 1635 और फर्स्ट क्लास में 2740 रुपए में आप वाराणसी पहुंच जाएंगे दिल्ली से। 2 रात रुकने का खर्चा आप पर निर्भर करता है कि आप किस होटल में रुकते हैं। तो 2 दिन के लिए आप 2000 भी खर्च कर सकते हैं, 20000 भी खर्च कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी। 2 दिन के खान पान का खर्चा इन एवरेज 1000 से 1500 रुपए रहेगा। लोकल घूमने के खर्चा 1000-1500 के आसपास रहता है। गंगा जी में बोटिंग करनी है तो उसका अलग खर्चा रहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग बोट लेते हो या पर्सनल। कुल मिलाकर कम से कम खर्चे में अगर आपको वाराणसी घूमना है ना तो 6 से 7 हजार में 2 लोग बहुत आराम से घूम लेंगे। यात्रा को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 हजार में 2 लोग बहुत अच्छे से घूम पाएंगे। वैसे तो टूर की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी पैसे टूर पर खर्च कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वाराणसी टूर की, बनारस यात्रा की, महादेव की नगरी काशी यात्रा की आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त वाराणसी घूमने का प्लान बना रहा है तो उसके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्या पता इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, हर हर महादेव।